देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत सेक्टर 2 के ई ब्लॉक की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगने की सनसनीखेज खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में प्लास्टिक की टेप और केमिकल का काम होता है। आग फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने मौके पर पहुंचे, लेकिन आग पर अभी तक भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। दरअसल वीरवार को दोपहर के वक्त अचानक इस फैक्ट्री में आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगते ही फैक्ट्री के सभी कर्मचारी नीचे आ गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर लगी है और दमकल की गाड़ियां आग को कंट्रोल करने में जुटी हैं ताकि आग नीचे के 2 फ्लोर तक न पहुंचे। फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर राख हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। आग किस कारण से लगी है ये जांच का विषय है। साथ ही फायर सेफ्टी के उपकरण इस फैक्ट्री में थे या नहीं, दमकल विभाग की NOC ली गई थी या नहीं, कितना यहां पर नियमों का पालन किया गया, ये सब जांच के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल प्राथमिकता आग बुझाने की है और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आपको बता दें कि मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें, दिल्ली पुलिस, टेटस एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस भी मौजूद है। दिल्ली से हमारे संवाददाता विकास ओल्डियान की रिपोर्ट। जी हमारे पास 8 गाड़ियाँ मौके पे हैं और अभी 10 गाड़ी और आ रही है। मैंने इस कैटेगरी को फायर को नेक्सिस कर दिया और ब्रांड को मांग ली, जो गाड़ी ऊपर तक मिलती है उसको मांगा। किस चीज़ की कंपनी है बताई जा रही है? इसमें थिनर है और प्लास्टिक है वगैरह। अभी कोई अंदर फंसा हुआ हो? अंदर कोई नहीं फंसा हुआ, सब बाहर है, बहाने बांध दी और अभी काम जा रही है। सर किन कारणों से आग लगी कुछ पता लग पाया? शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, या तो शॉर्ट सर्किट से लगती या गर्मी से थिनर में गर्म होकर तब लग गई। तो अभी मौके पर सिर्फ 6 गाड़ियां हैं? अभी मौके पर 6 गाड़ियां हैं और गाड़ियां आ रही हैं, थोड़ा दूर से है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।